नमस्कार, स्वागत है आपका फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं स्वाति, और आइए रुक करते हैं अब तक की बड़ी खबरों पर। श्री सोमनाथ जी मंदिर पर दो दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन। जी हां, जनपद औरैया के तहसील मुख्यालय बिधुना के अंतर्गत नवीन बस्ती रोहिया नगर में श्री सोमनाथ मंदिर पर हर वर्ष की भांति दो दिवसीय कार्यक्रम भगवान शिव का रुद्राभिषेक एवं अखंड रामायण का पाठ हुआ, जिसमें महल्लावासियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। मुख्याचार्य श्री प्रदीप कुमार जी शुक्ला ने हवन एवं मंत्रोच्चार के साथ पूर्ण विधि विधान से पूजन अर्चन कार्यक्रम को सम्पन्न कराया। रुद्राभिषेक, रामायण एवं हवन के बाद मंदिर पर खिचड़ी भोज का आयोजन हुआ, जिसमें मुख्य रूप से शिव प्रसाद बाबा जी, मधुकर दुबे, अनुराग मिश्रा, सूर्यांश मिश्रा, अरविंद वकील साहब, सांवी संघवी, विष्णु, गोलू बाबू, बेटू आदि लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया, और आचार्य जी ने लोगों को धर्म के रास्ते एवं सदमार्ग पर चलने का आह्वान किया। और ऐसे हमारे संवाददाता अभिषेक मिश्रा की रिपोर्ट। Yeah.
उत्तरायणी के पर्व पर क्षेत्र में जगह जगह उत्तराखंड के संस्कृति आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम करा रहे उसी के चलते दिनेशपुर के गुलरभोज रामलीला मैदान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें क्षेत्र के स्कूलों के बच्चों ने प्रतिभाग किया और उत्तराखंड के संस्कृति के आधार पर रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति देकर सभी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया। इस मौके पर हजारों लोग मौजूद रहे तो वहीं कार्यक्रम में पहुंचे कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे ने बच्चे द्वारा किए गए सांस्कृतिक प्रस्तुति की सराहना की। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता शानूर अली की रिपोर्ट। हमारे संसार में तीन रेखा है, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा। जब मकर रेखा से सूर्य कर्क रेखा में जाता है, उत्तर की ओर जाता है, तो उसे उत्तरायणी बोलते हैं। और इस उत्तरायणी पर्व को हिंदुस्तान में जो उत्तर भारत में रहते हैं पर्वती लोग घुघुती बना करके मनाते हैं, पंजाबी लोग लोहड़ी के हिसाब से मूँगफली रेवड़ी बांटते हैं, आग जलाते हैं, और उसके उपरांत जो है देसी समाज, पूर्वांचल समाज, ये लोग जो है खिचड़ी बना करके इसको खिचड़ी बनाते हैं, उसे खाते हैं और उस तरीके से उसे उत्तरायणी को प्रोग्राम को मनाते हैं। और रहे बंगाली समाज, वो चावल के आटे का पेठा बनाते हैं, उसको खाते हैं, उसे वितरित करते हैं। सारा का सारा क्या है कि जब उत्तर साइड में सूर्य आता है तो सूर्य की पूजा की जाती है। हिंदुस्तान में, हिंदू समाज में सूर्य की पूजा करते हैं और उपासना अलग अलग है। कमेटी के लोगों ने बुलाया और कमेटी के लोगों को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस बात के साथ कि स्थानीय लोगों को उनका मनोबल बढ़ाया, उनको कला में शामिल किया, उनको मंच पर स्थान दिया और उनसे कार्यक्रम करवाया। ये अपने आप में समाज को जोड़ने का बहुत अच्छा ऐतिहासिक काम हुआ और इस ऐतिहासिक पहल के लिए कमेटी को बहुत बहुत शुभकामना। सड़क दुर्घटना में बाइक सवार की हुई मौत। जी हाँ, 75 करोड़ की लागत से बनी दिनेशपुर मटकोड़ा मार्ग में हादसे थमने का नाम नहीं ले रही। पिछले एक साल के भीतर दर्जन भर से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और करीब सैकड़ों लोगों से ज्यादा गंभीर रूप से घायल हो चुके हैं लोग। और इसी के चलते आज फिर एक बार मौत की इस सड़क ने एक मां की लाल को अपने आगोश में ले लिया है। आपको बता दें कि चंदन नगर निवासी सुभाष दिनेशपुर मार्केट से काम करके अपने घर चंदन नगर जा रहे थे, अचानक सड़क में बने बड़े बड़े गड्ढे को बचाने के लिए पीछे से आ रही डंपर ने सुभाष को बुरी तरह से रौंद दिया, जिसके बाद सुभाष के सिर के चिथड़े उड़ गए और मौके पर ही उसकी मौत हो गई, जिसके बाद से क्षेत्र में कोहराम मचा हुआ है और वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तो इस दौरान
सुभाष के भाई ने इसका जिम्मेदार शासन प्रशासन और यहां के विधायक व कैबिनेट मंत्री अरविंद पांडे को ठहराया है और उन्हें जल्द से जल्द सड़क निर्माण की मांग भी की है। उत्तराखंड से हमारे संवाददाता शानूर अली की रिपोर्ट। और इसी के तहत गदरपुर शहर में कई वर्षों से इंटरलॉकिंग टाइल से नहीं था, जिसकी वजह से सड़क की जर्जर हालात में थी और लोगों को स्थानों में दिक्कतों का सामना करना पड़ा। हमारी सरकार बनने के पश्चात मुख्यमंत्री की जनता ने विधायक बनाया, कैबिनेट मंत्री बनने के पश्चात मेरा संकल्प था कि कई सालों से लोगों को जो समस्या थी उससे निशान दिलानी है। उसी के तहत अपने हॉल में सड़क को दोबारा हमने सेंसर कराया ताकि यह उसी होकर बने और इसके साथ में इसकी जो बिजली के पोल है वो भी इसके पहले से ही और विधिवत सिस्टमेटिक लगे और कोशिश कर रहे हैं। अफसोस करके करता हूँ कि इस परिवार का जो नुकसान हुआ है वह जीवन में लौटा के कोई नहीं दे सकता। मुझे बहुत अफसोस है और मैं अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ और भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि इस परिवार को संभव के साथ। लेकिन मैं आपके माध्यम से भी गौतम भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि रोड अभी कुछ कमी है, कुछ गड्ढे पड़े हैं, उसको ठीक करने के लिए एस्टिमेट वगैरह बनवा के DPR बनवा के शासन बनने के लिए इस पर किसी को राजनीति का टिप्पणी करने में काम नहीं करना चाहिए। क्या जहाँ सड़कें खूब अच्छी होती क्या वहाँ एक्सीडेंट नहीं होते? इस एक्सीडेंट को मारने में कमी है ये कहना तो देखो 100% कहीं ना कहीं राजनीतिक मुद्दा है बना देना। अब कल ही आपके सामने सरदार नगर जो हॉट मैच की चमचमाती हुई सड़क बनी हुई है वहाँ एक एक्सीडेंट हो गया, वहाँ तो गड्ढा नहीं हो गया, तो कहीं ना कहीं इस मौत की जिम्मेदार फर्क कोई नहीं कह सकते। उसकी बेचारी किस्मत थी, बदकिस्मत लेके आए बेचारा, माँ बाप बहुत अस्थायी स्थिति में है, दुख की स्थिति में, ऐसे हालात में इस टाइप के शब्द बोल के उनके दिल को ठेस पहुँचाने वाली बात है। ये राजकाज है और जो फर्क वाला विषय है वो कराना हमारी जिम्मेदारी है, हम करवाएंगे, लेकिन इसको इस चीज़ से जोड़ना था। मेरा भाई दुकान से घर आ रहे थे तो रोड में बड़े बड़े गड्ढे थे तो पीछे से टंकर वालों ने मार दिया, मौके पर वहीं पे मौत हो गया। और रोड इतना ख़राब है, इतना ज़्यादा ख़राब है, मतलब आए दिन एक्सीडेंट हो रहे, लोग आए दिन मर रहे हैं। हर परिवार में अगर किसी परिवार में ये होता है बताओ क्या होता है। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे भाई के। मंत्री जी से, अरविंद पांडे जी से मैं यही कहूँगा कि आप हमारे इधर के विधायक हैं, मंत्री जी है, आपको तो ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल आप बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते रोड के बारे में, बिल्कुल ध्यान ही नहीं देते। ये आपको मेन मुद्दा है हमारे के, रोड पहले सही होना चाहिए। आज रोड सही होता आज मेरा भाई ये हादसा होता ही नहीं, इतना बड़ा पहाड़ नहीं टूटता मेरे परिवार में। आज जिम्मेवार कौन है? छोटे छोटे बच्चे को कौन देंगे, कौन पालेंगे बताओ? देखने वाले सारे दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद जी। अज पहुंचे हैं टुकड़ा हस्पताल के मेडिकल डायरेक्टर डॉक्टर सतीश ठकराल जी को, नवे साल से अपना संदेश देना चाहते हैं। सत श्रीकाल सर। सत श्रीकाल। तंदुरुस्ती तू बख्श ऐ दाता, किसे नू रोगी रहन ना दे, सुखमय जीवन जीवे हर कोई, दुख नू नेड़े बहन ना दे। फास्ट न्यूज चैनल वेख रहे देश विदेश दे सू दर्शकों मेरे वालों डॉक्टर सतीश ठुकराल सोनी वालों कोटिनकोट धन्यवाद। ये उम्मीद करता हाँ और परमात्मा को वाहगुरु को एक दुआ मंगता हाँ कि साडा सारिया का आने वाला साल वो चढ़ती कला वाला हो। साडा देश अज बड़िया मुसीबतों वेख रहा है, कदे बलात्कार दी घटनावां वध रही है, कदे नवे नवे कानून आ रहे हैं, लोगों की रुजगार घट रहा है। तो मेरी यही परमात्मा अगे अरदास है कि लोग चंगी रोटी खान, खुशी वाला जीवन बतीत कर, तंदुरुस्त रहन और प्यार नाल रहन, अपना जिहड़ा प्यार का प्रचार ते प्रसार पूरी दुनिया विच करिए। सो मैं एक बार फिर मेरे वड्डे वीर गुरलाल जी का भी धन्नवादी हाँ जिन्होंने नाचीज नूं एक मौका दिता तुहाडे नाल रूबरू होण दा। फास्ट न्यूज का विशेष तौर पर धन्यवादी हाँ कि जो मनुखता का पैगाम लैके दर दर से जा रहे हैं तो सारे संसार में अपनी खुशियां वंड रहे हैं। चलो मैं मोहम्मद आसिफ ग्राम भागवाला तहसील नजीबाबाद जिला बिजनौर, मैं सभी क्षेत्रवासी प्रदेशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं और जिला पंचायत भागवाला से भावी उम्मीदवार के रूप में आपको सेवक सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। ठीक। मेरा नाम मोहम्मद शाकिर, जनता स्वीट सेंटर मंडावली। मैं नए वर्ष की अपने देशवासियों को शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद अपने क्षेत्रवासियों अपने देशवासियों को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ग्राम प्रधान ग्राम पंचायत सिकरौडा
मैं अपनी ओर से सभी ग्राम। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए नजर डालते हैं आगे के प्रमुख समाचार पर। नगर निगम प्रभारी के नेतृत्व में शांतिपुरम में हटाया गया अतिक्रमण। जी हां, आज प्रयागराज की नगर निगम प्रवर्तन दल प्रभारी कर्नल आरबी सिंह के नेतृत्व में अतिक्रमण अभियान चलाया गया। ओम प्रकाश थापा जोन 3 की टीम द्वारा मिलकर यह अभियान चलाया गया और इस अभियान के तहत प्रतिबंधित पॉलिथीन जब्त की गई और 33,100 रुपए का शमन शुल्क भी वसूला गया। प्रयागराज से हमारी संवाददाता कुमारी मनोज सिंह की रिपोर्ट। शांतिपुरम में और अगला अतिक्रमण अभियान 17 तारीख को फिर चलेगा। शांतिपुरम और फाफामऊ एरिया में जो बचे खुचे अतिक्रमण उसको समाप्त किया जाएगा। उसके बाद पूरे शहर में अतिक्रमण अभियान प्रोग्राम के हिसाब से चलता रहेगा। ये प्रोग्राम जिलाधिकारी महोदय के यहाँ से इशू हुआ है। इसमें पूरे महीने भर का प्रोग्राम है। इसमें अतिक्रमण भी होगा, पॉलिथीन भी होगा और जितने भी अतिक्रमण है नगर निगम के वो सब समाप्त किए जाएंगे। फाफामऊ शांतिपुरम एरिया में चलाया गया और वहाँ पर मेन रोड पर चौराहे पर बहुत सारी गुमटियाँ और दुकानें चल रही थी, उनको हटाया गया और शांतिपुरम क्षेत्र में जितना भी अतिक्रमण था मेन रोड पर उसको हटाया गया और पीडीए के लोग भी थे उनके साथ मिल करके जहाँ उनका अतिक्रमण हो रहा था उसको भी ठीक किया गया। रिकवरी टोटल 33,100 रुपया समन शुल्क वसूला गया विभिन्न दुकानों से जो अतिक्रमण किए हुए थे। जी, और क्या पॉलिथीन से भी संबंधित? पॉलिथीन भी सब्जी विक्रेताओं के पास में कुछ पकड़ा गया है, उनसे भी समन शुल्क वसूली की गई है। कर्नल आरबी सिंह प्रवर्तन अधिकारी नगर निगम प्रयागराज। अपना दल एस पार्टी की रणनीति के विषय में लोगों को बताया और जागरूक किया। जी हाँ, चाय के चौपाल के माध्यम से अपना दल एस के राष्ट्रीय सचिव एवं सोराव के विधायक डॉक्टर यमुना प्रसाद सरोज अपना दल एस पार्टी की रणनीति के विषय में लोगों को बताया और लोगों के घर घर जाकर उनकी समस्याओं को सुनने का काम किया। मऊ आईमा से हमारे संवाददाता राकेश कुमार की रिपोर्ट। अपने अपना दल एस कार्यकर्ताओं के घर घर जाकर के चौपाल लगा रहे चाय पर चौपाल की चर्चा। इस चाय की चौपाल की चर्चा का क्या उद्देश्य? इसका उद्देश्य ये है कि 7 जनवरी को मैं अनुप्रिया पटेल जी ने सभी वरिष्ठ पदाधिकारियों को और विधायकों को आदेशित किया है कि आप अपने क्षेत्र में जाकर के अपने कार्यकर्ताओं के यहाँ चाय पी करके पार्टी की नीतियों से उन्हें अवगत कराएं। जी सर, और सर ये चीज जानना चाहते हैं कि जैसे कि आप इस चाय की चौपाल के माध्यम से अपने क्षेत्रवासियों को और समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? चाय की चौपाल के माध्यम से हम सभी के निवास पर जा रहे हैं और बड़ा अच्छा लग रहा है। इसी बहाने लोगों से समस्याएं इकट्ठी कर रहे हैं, जहां नहीं आज तक जब से हम जीते हैं कई तमाम क्षेत्र ऐसे अभी मिले हैं जहां हम नहीं गए थे कभी भी, तो ये इसी बहाने हम उनके यहाँ जा रहे हैं और समस्याएं भी मिल रही हैं। वैसे तो हम पूरे क्षेत्र का विकास कर रहे हैं समस्याएं चुन चुन करके, लेकिन इसके बावजूद कुछ समस्याएं रह गई थी, सड़क बिजली पानी तमाम इस तरह की हैं, तो वो चीजें हम चिन्हित करके और उसको आगे प्रसारित कर रहे हैं, उसको हम आगे विकास की कड़ी में जोड़ने का काम। ये थे अभी के समाचार। आगे कुछ खास खबरों के लिए देखते रहिए फास्ट न्यूज़ इंडिया।